राजस्थान में गौ माता के ऊपर जो संकट आया है उससे आप भली भांति परिचित हो। लंपी नामक ये बीमारी गौ माता के लिए काल बन रही है। साथियों, आपने देखा, अखबारों में पढ़ रहे हो, सोशल साइट पे देख रहे हो, आप अपनी आंखों से भी देख पा रहे हो कि गौ माता की एक बीमारी हो चुकी है जिसका नाम लंपी बताया जा रहा है और जिसमें फोड़े और पूंछियाँ बनती है और बुखार चढ़ता है और कमजोरी आती है। साथियों, आप चाहे राजस्थान के किसी भी जिले से हो या गांव से हो, आपसे हेल्थ तंत्र टीम यही आग्रह करती है कि आप तन मन धन तीनों से सहयोग करें और गौ माता प्राय संकट को दूर करें। आप इस उधर से देख पा रहे हो वो राजस्थान के चूरू जिले की विदासत तहसील के सांडवा कस्बे की गौशाला है, जहाँ पर गायों के ऊपर फिटकरी के पानी का, नीम के पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप जहाँ कहीं भी हो आप सहयोग करें। आपको पता है हमारी राजस्थान सरकार के पास पशुपालन विभाग में डॉक्टरों और कंपाउंडरों की कमी है, तो आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इन गोवंश की सुरक्षा के लिए आयुर्वेदिक उपाय घरों पर ढूंढें। आप लोगों से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि लापरवाही बिल्कुल न करें, मदद करें। आप जानते हैं कि हमारा पशुपालन क्षेत्र है उसमें चिकित्सकों की भारी कमी है और गोवंश को पालने वाले पशुपालक और किसान भी भाई अनपढ़ है। तो साथियों, इस बड़ी महामारी में आप सहयोग करें और निश्चित रूप से हम इस महामारी से मुकाबला करेंगे और गौ माता जो मूक जानवर है, जो अपनी पीड़ा को बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती और अपने दर्द का एहसास हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती, राजस्थान के चूरू जिले की विदासत से सांडवा कस्बे में आप देख पा रहे हैं कंपाउंडर अनिल जी और पूरी टीम, डॉक्टर गोविंद जी कारवाल की टीम, डॉक्टर प्रदीप सोनी की टीम, सरवण जी बोराना, डॉक्टर कपिल चौधरी, सभी जो चिकित्सक है क्षेत्र के वो लगे हुए हैं। हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें जिससे क्षेत्र में पशु पालन है उसको हम यथावत रख सकें, गौ माता की रक्षा कर सकें। और गौ माता के ऊपर जो संकट आया है, ये मानो आप हम पर संकट आया, हमारी माँ पर संकट आया, तो आप जो गली में सड़क पर देखते हो गाय को, तो आपको अगर लगे कि इस गाय पर संकट है, पीड़ा है, तो आप पशुपालन विभाग से या आपके गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं से या आप सोशल वर्कर हैं उनसे संपर्क करें। यह हमारा दायित्व बनता है। अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर स्वाभिमान जिंदा, अगर आपकी आत्मा जिंदा है, तो आप गाय को देखकर मुख न मोड़े, इससे आपकी बीमारी नहीं फैली। आप उसके ऊपर हाथ से उसको दुलारेंगे तो भी उसको बीमारी नहीं फैलने वाली। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मदद करें आप। ये संकट आपने देखा कोरोना काल पर, कोरोना काल में हम पर कितना बड़ा संकट आया और गाय के दूध से हमारी इम्यूनिटी बढ़ी। तो पुनः अपील कि आप लोग फायदा हो, मदद करें। अनिल जी, जो ये बीमारी आई है, बहुत बड़ी बीमारी जिसे महामारी कह सकते हैं, किसानों को, पशुपालकों को क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों और आपकी चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये लंपी स्किन डिजीज एक संक्रमित बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु के अंदर फैलती है। तो जिस भी पशु के अंदर अपन को लक्षण दिखाई दे उस पशु को और पशुओं से, स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, उसके खाने पानी की अच्छी व्यवस्था रखें, उसको पौष्टिक वो चारा वगैरह, खड़ वगैरह, बांटा वगैरह दें और उसके जैसे बुखार वगैरह हो तो पैरासीटामोल वगैरह की टेबलेटें दें और नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करके अपने पशुओं का इलाज करवाएं। और इसके अंदर कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग भ्रामक फैला रहे हैं कि ये वो जैसे जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, न तो ये आदमी में फैलती है, न इसका कोई ऐसा संक्रमण है। अपने पशुओं की साफ़ सफाई, वो जो पशुशाला है उसकी साफ़ सफाई रखें और पशुओं को पौष्टिक चारा कचरा प्रदान करें। ये हमारे साथ सांडवा के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जी पांडे। रमेश जी, क्या लोगों को कहना चाहेंगे इस महामारी में किस प्रकार का युवा सहयोग करें? मेरा यही कहना है कि जिधर भी कोई समझ लो पशु अपने को लगे ये संक्रमित है तो तुरंत अपने आज़ाद गोवंश के ग्रुप बनाए, उसमें सूचना दे और हमारे आज़ाद गोवंश के जो कार्यकर्ता वो आगे आएंगे और उसका जितना भी खर्चा लगेगा आपको कुछ नहीं देना है, आज़ाद गोवंश वहन करेगी। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि भाई ये गाय अपनी नहीं है, दूसरों की है। जिधर भी दिखे सूचना करें और ये नहीं है ये ग्रसित है, बीमारी है इसे, वो तभी भाई सूचना करें। अगर सांडों में कोई भी पशु कोई भी तकलीफ में हो तो आज़ाद गोवंश को सूचना करें, हम जरूर आगे आएंगे और जो भी होगा और हम देखेंगे। कि महामारी, गायों में जो महामारी आई है उसके लिए पशुपालक और किसानों को किस प्रकार की सावधान रखने की आवश्यकता बताइए।
देखिए जुगल जी, ये एक संक्रामक रोग है और इसका मेन बचाव ही उपाय है। अपने को अगर इस रोग के जो सामान्य लक्षण है, जो गाय के ये ऊपर घुमड़ी जैसा जो दिखने लगता है, ऐसे अगर अपने को गाय दिखती है तो सबसे पहले तो उसको अपने को क्वारंटाइन करना है। यानी सरल भाषा में बोलूँ तो उसको दूसरी गायों से, दूसरे अन्य पशुओं से उसको अलग दूर एक जगह बांधना है। और उसके बाद में सब जगह उपलब्ध एक साधारण सी चीज़ है, फिटकड़ी, जो हर गांव में लगभग किराने की दुकान में मिल जाती है। गर्म पानी करके उसको उसके अंदर फिटकड़ी डाल करके मिला करके अच्छी तरह से, और अगर गाय नहला सके तो उसको नहलाओ अच्छी तरह से। अगर नहलाने में गाय नाराज हो रही है, ऐसे लग रहा है उसको ज़्यादा पानी सही नहीं लग रहा है, तो उसको पानी का कपड़ा में पानी को एकदम भिगो करके और मालिश जैसे अपने पोछा लगाते हैं उस तरह से दिन में अगर दो बार इसके पोछा किया जाए और पौष्टिक आहार दिया जाए तो ये रोग का जल्दी निवारण हो जाता है। साथ में इस गांव के रेणु जी हमारे साथ है, शिव शंकर जी इनका नाम है, तो हम उनसे पूछेंगे। रेणु जी, गो वंश में जो समस्या है उसके समाधान के लिए किस प्रकार की सावधानी रख सकते हैं? ऐसा है कि तुरंत ही लक्षण प्रकट होने के बाद हमें तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जो भी ट्रीटमेंट बनता है, चाहे एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, हमें तुरंत शुरू करना है और ज़्यादा से ज़्यादा गायों की हमें रक्षा करनी चाहिए। सांडवा गौशाला समिति के अध्यक्ष हमारे साथ है सुजीत जी देराश्री, जिनके आने के बाद कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है और इस परिवर्तन के दौर में एक महामारी का आना पूरे राजस्थान ही नहीं गोवंश के लिए चिंता का विषय। सुजीत जी, किन शब्दों में लोगों को निवेदन करना चाहेंगे कि इस महामारी में किस प्रकार का साथ की आवश्यकता है गायों को? जय गो माता, जय गोपाल। अभी जो महामारी चल रही है सबको पता ही है और इसके लक्षण भी लगभग सबको पता है कि जिस तरह ये फोड़े हो रहे हैं, तुरंत पता चल जाए, चाहे घर में होगा, गौशाला में या कहीं भी दिख रही है गांव के अंदर, तो उस गाय को संबंधित लोगों को, मेडिकल पशुपालन वालों को तुरंत इतला की जाए और उन गायों को ज़्यादा से ज़्यादा अलग रखा जाए, अलग रख के उनको उपचार किया जाए। उपचार जैसा गजानन जी बताए दिया है, फिटकड़ी नीम ये प्राथमिक उपचार है, बाकी इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं। तो सभी से ये निवेदन रहेगा कि तुरंत उनके लक्षण प्रकट होते ही उनको अलग क्वारंटाइन किया जाए और उनका उपचार शुरू किया जाए। और अपने गौशाला में परिसर है, वहाँ पर गायों को रखने के लिए पर्याप्त जगह भी है, पानी की व्यवस्था है और रेणु जी यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सब लोग कर रहे हैं सेवा, तो यहाँ उपचार किया जाएगा, उनको अच्छा पौष्टिक खाद्यान्न दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे भेजें। और गौ माता को बचाना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, अभी अन्य सब काम छोड़ के गौ माता की जो जहाँ जैसी व्यवस्था कर सकता है, जितनी सेवा कर सकता है करनी चाहिए। हमारे साथ में सांडवा आजाद गोवंश सेवा समिति और भारतीय संस्कृति युवा मंच के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार का निवेदन जनता से, युवाओं से करना चाहेंगे? जनता से और युवाओं से यही निवेदन है, जहाँ भी गोवंश पीड़ित दिखे उसको तुरंत उचित जगह पर पहुँचाएं, की पूरी देखभाल की व्यवस्था करवाएं, और सांडवा ग्राम क्षेत्र में कहीं भी कुछ कोई दिखे तो सुजीत जी संपर्क करें, हमारी पुरानी गौशाला में व्यवस्था की गई है तो यहाँ भिजवाने की व्यवस्था करें। Now, please like, share, and subscribe, and don't forget to